please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। स्पेन के बार्सिलोना में हुए आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। दक्षिण बार्सिलोना में पुलिस ने 4 संदिग्धों को मार गिराया। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री ने इसे जिहादी हमला बताया। पुलिस ने 2 संदिग्ध गिरफ्तार भी किए, इसमें से एक स्पेन का है जबकि दूसरा मोरक्को का है। बार्सिलोना के मशहूर पर्यटन स्थल रंबलास में एक वैन से भीड़ पर हमला किया गया। वैन ने उन लोगों को भी निशाना बनाया जो फुटपाथ पर चल रहे थे। हमले के बाद कई लोग सड़क पर गिरे हुए थे जबकि वैन की टक्कर के बाद वहां मौजूद कई लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों में घुस गए। भारतीय दूतावास के मुताबिक हमले की चपेट में कोई भारतीय नहीं आया। वहीं अमेरिका ने स्पेन को सहायता की पेशकश की है। इस घटना को पिछले साल जुलाई से यूरोप में शुरू हुए इस तरह के हमलों से जोड़कर देखा जा रहा है। चार तस्वीरें आपके सामने। ये आतंकी ये हमला जिसके बाद पूरा बार्सिलोना दहल गया। भीड़ पर ये वैन चढ़ गई जो फुटपाथ पे लोग घूम रहे थे उन पर भी इस वैन ने चढ़ाई कर दी। हमले के बाद भगदड़ की जो स्थिति है वो आप तीसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं और उसके बाद तलाशी अभियान जो चला वो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणव उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणव, ये कब ये हमला हुआ? देखिए, कल शाम की घटना है जब बार्सिलोना मध्य बार्सिलोना के लास लाम्ब्रास नाम की जो जगह है जो कि एक पर्यटन स्थल है वहां पर अचानक एक व्यक्ति जो है एक वैन लेके आया और उसको तेजी से वैन जो है न केवल फुटपाथ पर चढ़ा के बल्कि लोगों को कुचलते हुए वो आगे बढ़ गया और उसके बाद उसने रेस्टोरेंट के पास जाके वो गाड़ी अपनी रोकी और वो गाड़ी से उतर के भाग गया। कुछ ही देर में एक मैहम की स्थिति थी वहां पर जिस तरीके से ये घटना हुई और इसने याद दिला दी पूरी दुनिया को कि नीस में जिस तरीके दुकान का हमला हुआ था ये उसी तरीके का आतंकी हमला था। और कुछ ही देर बाद बार्सिलोना पुलिस है कैटलोनिया पुलिस उसने भी इस चीज की तस्दीक करती कि ये आतंकी हमला है क्योंकि कुछ ही देर में